अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो आंसर लिखना है ना, ये हमें लिखना है यूजिंग आइडियाज अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है ना दो तरह का होता है, एक आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता है और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इनमें से जो मूविंग चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करके जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, और जिस स्पेस को वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है। आपके पास जो है ना इन सब सैंड्स पार्टिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में बैलेंस थे और ये न्यूट्रल्स थे। जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे सब जगह पर। अच्छा, जब ये सैंड पार्टिकल्स मूव करते हुए इस रीजन में आ गए जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के इन बिटवीन है, तो अब नेगेटिव प्लेट जो है वो भी इस पे एक फोर्स लगा रही है और पॉजिटिव प्लेट भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। पॉजिटिव मेटल प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जो बॉटम लेयर होगी उस पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पे डोमिनेट करेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज पहले अपर लेयर में था और वो मूव कर गया बॉटम लेयर में बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, तो उसने जो अपनी स्पेस खाली की है ना वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो जो लेयर नियरेस्ट टू द पॉजिटिव प्लेट होगी वहीं पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेंटली जमा हो जाएगा, और जो लेयर्स उसके ऊपर होंगी वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना ये हमेशा सरफेसेस से मूव करते हैं ना, तो ऊपर वाली जो भी सरफेस है ना लेयर है उसकी जो सरफेस है वो अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देगी, तो उसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नीचे वाली जो लेयर है उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसको ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 5.1 शोज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सैंड पेपर यूजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ग्लू इज स्प्रेड ऑन टू द मूविंग पेपर, द स्टिकी पेपर देन पासिस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, वन ऑफ द प्लेट्स इज पॉजिटिव एंड द अदर प्लेट इज नेगेटिव, देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होंगी तो इन दोनों के इन बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से इमर्ज होंगी और नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, इस तरह से इसके रीजन में द रीजन बिटवीन द प्लेट्स वुड बी हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन फिगर 5.2 ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल प्लेट आपको इस तरह से गिवन है तो आपने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइंस बनानी है जो दोनों के परपेंडिकुलर होंगी, और एटलीस्ट यहाँ पर 3 लाइंस हम शो करेंगे और तीनों पे सेम डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हम बना देंगे। तो एक लाइन हम बना देंगे टूवर्ड्स दिस बॉटम एंड, एक लाइन बनाएंगे टॉप की तरफ और एक कहीं सेंटर में, और अगर इसके अलावा भी फर्दर लाइंस बना दें तो वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि एटलीस्ट 3 लाइंस तो यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए ताकि वो सही से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दें। तो 2 मार्क्स का आंसर है, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, एक तो ये कि लाइन ड्रॉ करनी है और सेकेंडली डायरेक्शन को सही मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ग्रेन्स ऑफ सैंड आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टिकी पेपर, ईच ग्रेन ऑफ सैंड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिगर 5.3 शोज 2 लेयर्स ऑफ सैंड ग्रेन्स इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हमें ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है यहाँ पे, और उस लेयर के नीचे भी एक और लेयर है सैंड ग्रेन्स की। एक्सप्लेन यूजिंग द आइडियाज अबाउट द मूवमेंट ऑफ चार्ज वाई द टॉप लेयर ऑफ सैंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। टॉप लेयर पॉजिटिवली चार्ज क्यों बन रही है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बॉटम लेयर है ये पॉजिटिव से नियरर है, तो नियरर होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पे चार्ज का जो बिल्डअप होगा वो नेगेटिव वाला हो जाएगा नियरर द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, जब नीचे वाले रीजन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा और चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट से, तो जो फार एंड होगा या ऊपर वाली जो लेयर होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी,
और पॉजिटिव चार्ज होने की रीज़न ये होगी कि ये नियर है टू द नेगेटिव प्लेट और ये नेगेटिव के एडजेसेंट है, तो नेगेटिव जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिल्डअप हो जाएगा और जो लेयर उससे एडजेसेंट होगी उस लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो आंसर लिखना है ना, ये हमें लिखना है यूजिंग आइडियाज़ अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है ना दो तरह का होता है, एक आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता है और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इनमें से जो मूविंग चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करके जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, और जिस स्पेस को वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है। तो मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इनटू द बॉटम लेयर बिकॉज दे वर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, और विच क्रिएट्स अ डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज इन द अपर लेयर। आपके पास जो है ना इन सब सैंड्स पार्टिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में बैलेंस थे और ये न्यूट्रल्स थे, जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे सब जगह पर। अच्छा, जब ये सैंड पार्टिकल्स मूव करते हुए इस रीजन में आ गए जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के इन बिटवीन है, तो अब नेगेटिव प्लेट जो है वो भी इस पे एक फोर्स लगा रही है और पॉजिटिव प्लेट भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। पॉजिटिव मेटल प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जो बॉटम लेयर होगी उस पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पे डोमिनेट करेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज पहले अपर लेयर में था और वो मूव कर गया बॉटम लेयर में बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, तो उसने जो अपनी स्पेस खाली की है ना वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो जो लेयर नियरेस्ट टू द पॉजिटिव प्लेट होगी वहीं पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेंटली जमा हो जाएगा, और जो लेयर्स उसके ऊपर होंगी वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना ये हमेशा सर्फेसिस से मूव करते हैं ना, तो ऊपर वाली जो भी सरफेस है ना लेयर है उसकी जो सरफेस है वो अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देगी, तो उसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नीचे वाली जो लेयर है उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसको ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। देखें ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा ना तो इसको ये नेगेटिव मेटल प्लेट भी तो अट्रैक्ट करना शुरू करेगी ना, और इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहा है, स्टेट वाई द टॉप लेयर ऑफ सैंड मूव्स टूवर्ड्स द स्टिकी पेपर। अब वो जो टॉप लेयर है वो स्टिकी पेपर की तरफ क्यों मूव कर रही है, तो हम कहेंगे द टॉप लेयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इज अट्रैक्टेड नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट। ठीक है, तो अब ये होगा कि ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बिल्डअप हो गया था सैंड ग्रेन्स, ये अब टॉप की तरफ मूव करना शुरू करेंगे क्योंकि इसको ये नेगेटिव मेटल प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, इन बिटवीन यहाँ पे एक स्टिकी पेपर है जिसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है, तो जैसे ही सैंड पार्टिकल्स आएंगे और इस पेपर से स्ट्राइक करेंगे तो वो जो ग्लू है वो उनको अपने साथ अटैच कर लेगा। तो ये जो चार्ज का बिल्डअप था ये इसलिए था ताकि ये सैंड मूव करे टुवर्ड्स द पेपर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव मेटल प्लेट बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सैंड मूव करेगी,
और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो अकॉर्डिंगली सैंड जो पेपर पे आके स्टिक करेगी वो रिड्यूस होती जाएगी। तो अब कितनी हम स्टिक करवाना चाह रहे हैं ये उस पे डिपेंड करेगा, हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट पार्ट, अ स्टूडेंट रिसीव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक बाय वॉकिंग अक्रॉस अ सर्टेन टाइप ऑफ कारपेट एंड देन नियरली टचिंग अ पीस ऑफ अर्थेड मेटल विद हिज हैंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हैंड एंड द मेटल इज 2000 वोल्ट्स एंड द चार्ज ट्रांसफर्ड इज 4.0 × 10⁻²⁴ कूलम्स। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड वेन द स्पार्क जम्प्स अक्रॉस द एयर गैप फ्रॉम द मेटल ऑन टू हिज हैंड। अच्छा जी, एनर्जी, वोल्टेज और चार्ज, इन तीनों को जो फॉर्मूला रिलेट करता है वो बेसिकली वोल्टेज का फॉर्मूला है या पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड इट इज़ एनर्जी अपॉन चार्ज। और अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज के साथ। वोल्टेज हमें गिवन है 2000 और चार्ज है 4.0 × 10⁻²। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.80 जूल्स, और ये हम यहाँ आंसर स्पेस में मेंशन कर देंगे।